आजिठू आरंभ होइछि मौसुमी अपसारण प्रक्रिया। दक्षिण पश्चिम राजस्थान रो किछि अंचलरो स्वाभाविक तारीख 17 सेप्टेम्बर तुलन में आजिठू मौसुमी प्रत्यावर्तन प्रक्रिया आरंभ होइछि। वायुमंडल में 1.5 किलोमीटर उच्चतार गुरुचाप बलय सृष्टि होइछि। गत 5 दिन है दक्षिण पश्चिम राजस्थान और यार आखपाख अंचल पाग सुखिला रही। पर्यायक्रमे अन्य राज्यरो मौसुमी प्रत्यावर्तन नहीं आकलन करिछि भारतीय पाणिपाग विभाग। सेपटे मौसुमी प्रत्यावर्तन पर आंडामान सागर और यार आखपाख अंचल सृष्टि घूर्णिबलय परवर्त 24 घंटा भितर यह लघुचापर रूप नहीं पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर। यार प्रभाव में राज्य में पुणी वर्षार परिमाण बढ़ पूर्वानुमान आंचलिक पाणिपाग केन्द्र। तेज मौसुमी प्रत्यावर्तन समय और बंगोपसागर में लघुचाप सृष्टि बात्या संभावना को दृढ़ीभूत कर। आईएमटी बात्या कौन संकेत देन बेले विन्र ईसीएमडब्ल्यूएफ मडेल बात्या आकलन कर। जीएफएस मडेल आकलन कहूँ 29 तारीख में सृष्टि होगा घूर्णिबलय लघुचापर रूप नहीं म्यांमार मुहां होपे। वर्तमान वायुमंडलीय स्थिति और संभाव्य लघुचाप अधिक घनीभूत होगा पाग अनुकूल रही। तेज यह अवपात कि गभीर अवपात में परिणत हो पारे आकलन कर। अक्टोबर मास ओडिशा बात्या प्रबण मास होता बेले आईएमडी यह स्वतंत्र नजर रखी। सेपटे उत्तर प्रदेश तेलंगाना मध्य सृष्टि होता ट्रपलाइन प्रभाव में राज्य में घड़घड़ी विजुली सह वर्षा हो। आज वज्रपात नहीं 25 जिला को येलो अलर्ट जारी करा बेले आसंता काली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा नहीं 17 जिला को सतर्क सूचना जारी करा जाए छी। आज हमारा नॉर्थ वेस्ट राजस्थान का कुछ एरिया से साउथ वेस्ट मॉनसून विथड्रॉल शुरू हुआ है। अभी हमारा पिछले 24 घंटा में ओडिशा का जो रेनफॉल था इंटर विशाखा डिस्ट्रिक्ट में मेनी प्लेसेस में और कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ स्थानों पर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी के साथ बारिश हुआ है। हाईएस्ट बारिश था बनाईगढ़ सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 52.0 मिलीमीटर। उसके बाद गंजाम डिस्ट्रिक्ट का शेरागरा 50.0 मिलीमीटर। संबलपुर डिस्ट्रिक्ट का कुचिंदा 48.0 मिलीमीटर। स्टेट एवरेज रेनफॉल 5.9 मिलीमीटर था, स्वाभाविक है 5.4 स्वाभाविक होता है। पहले जून से आज 25 सितंबर तक सीजनल रेनफॉल जो हुआ है टोटल रेनफॉल उड़ीसा में है 1090.0 मिलीमीटर। स्वाभाविक होता है 1125.7 मिलीमीटर, 3% कम है पर स्वाभाविक रेंज में ही है। झारसुगुदा बौद्ध ढेंकनाल ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में एक्सेस बारिश हुआ है और नवरंगपुर केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्लाइटली डेफिशियंट है, बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट में ही स्वाभाविक बारिश हुआ है। सेप्टेम्बर में सभी जिला में ही स्वाभाविक से ज़्यादा व स्वाभाविक बारिश हुआ है। अभी फोरकास्ट जो है अगला 5 दिन का हमारा नेक्स्ट 24 आवर्स में इंटर विशाखा डिस्ट्रिक्ट में मेनी प्लेसेस में कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ स्थानों पर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी के साथ बारिश का संभावना है, पॉसिबिलिटी है। और कल भी हमारा कुछ कुछ स्थानों पर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी के साथ बारिश रहेगा। 27-28 में बारिश कम रहेगा, 1-2 जगह करके ही बारिश थंडरस्टॉर्म के साथ होने का पॉसिबिलिटी है। 29 में कोस्टल विशाखा स्पेशली नॉर्थ कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट में मेनी प्लेसेस में और बाकी डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ स्थानों पर बारिश का पॉसिबिलिटी है। 29 से ग्रेजुअली बारिश फिर स्लाइट इंक्रीज करने का चांसेस है। भुवनेश्वर सिटी में पार्टली टू जनरली क्लाउडी स्काई आफ्टरनून में होने का चांसेस है और कुछ कुछ एरिया में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी के साथ बारिश का पॉसिबिलिटी भी है।